ओप्स, अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ रूबा उरूज और मेरे साथ आज मौजूद हैं नन्हे मुन्ने से क्रिकेटर जिब्रान अली, जो कि क्रिकेट का इतना जुनून है कि इनके घर कोई भी आता है, कोई बच्चा हो बड़ा हो, इवन मैं आई तो इन्होंने कहा मुझे बॉल कराएं। तो ये इसी तरह से अपने आने वाले मेहमान, अपने बहन भाई, अपने चाचू, अपने वालिद को हर टाइम कहते हैं कि हर टाइम बॉल कराते रहें और ये प्रैक्टिस करते रहें। ये जी बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उनके फ़ैन भी हैं और ख़ुद 6 साल की एज से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जिब्रान अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो क्रिकेट का जुनून है ये कब से शुरू हुआ और कहाँ तक जाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 5 मिनट ले लें ज़रा इंटरव्यू के लिए, फिर खेलेंगे। ठीक है 5 मिनट इंटरव्यू कर लेते हैं फिर खेलेंगे, वरना ये तो बॉल जो है वो ऐसे धागे के साथ बांध के उस टाइम भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिब्रान, इतना जुनून कहाँ से आया, कब से शुरू हुआ? ये 4 साल। 4 साल के थे उस टाइम से? मुझे तो लग रहा है कि आपने कोई उससे पहले भी क्रिकेट का ही शौक होगा। बॉल का बॉल पता ही नहीं था उस टाइम, पता ही नहीं था। तो कहाँ से आया ये शौक? ये 4 साल टोटल, मुझे 3 साल हो गए खेलते हुए क्रिकेट। अच्छा, 3 साल से क्रिकेट ही खेले जा रहे हो, स्टडीज भी करते हो, कौन सी क्लास में हो? 7। अभी तो आप बहुत छोटे हैं और इतना शौक, इतना जुनून। कौन है फेवरेट, कौन है? मम्मी रिजवान। क्यों, रिजवान क्यों पसंद है भाई? उसके शॉट से, उसके नहीं, उसके स्ट्रेंथ से, मतलब वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो खेलता अच्छा है, उसके स्टाइल से सर। अच्छा, वो बहुत अच्छा लगता है। बाबर आजम भी पसंद है? क्रिकेटर्स तो लड़ भी पड़ते हैं आपस में, लड़ते रहते हैं। कौन कौन लड़ रहा है आजकल? मोहम्मद आमिर और बाबर आजम। क्यों लड़ रहे हैं वो? मोहम्मद आमिर बाबर आजम के साथ लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई कर रहा है भैया? आपने मना नहीं किया, आप छोटे से फैन हैं उनके और वो आपस में लड़ी जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर, आप बाबर आजम के साथ मत लड़े, वो आपका मुकाबला नहीं है बाबर आजम। सुन लें मोहम्मद आमिर, आपका कोई मुकाबला नहीं है बाबर आजम के साथ। आप एक अपने जो है वो एक पहचान रखते हैं और बाबर आजम अपनी पहचान रखते हैं। बड़ा प्यारा मैसेज दिया जिब्रान ने। अच्छा जिब्रान, मुझे ये बताएं कि मुझे पता चला है कि आपको क्रिकेट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? गूगल कर रहे होते हो, बाबा बताते हैं, या फिर टी वी पर देख रहे होते हो? टी वी पर देख रहा था। टी वी पर सारे मैचेस देखते हो? आज तक का फेवरेट मैच कौन सा है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का। वो क्या वजह है? वो कराची बहुत अच्छा खेली थी उस बार, तो इसलिए बहुत पसंद है। अच्छा, कराची की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। अच्छा ये भी बताओ कि दूसरे ममालिक के भी क्रिकेटर्स पसंद हैं, कौन अच्छा खेलता है? जैसन रॉय, जोस बटलर और जो रूट। इंग्लैंड की टीम के हैं ये? इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं है क्रिकेट के बारे में, कहाँ से मिल जाती है? ये मैं मैच देखता हूँ। मैचेस देखते हो, उनको सुनते हो, सारी कमेंट्री सुन रहे होते हो? तो आपको क्या बनने का शौक है? बैट्समैन बनने का शौक है, बॉलर, ऑलराउंडर, क्या बनना चाहते हो? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बनना चाहते हो, वजह क्या है उसकी? मुझे बॉलिंग भी पसंद है, बैटिंग भी पसंद है। अच्छा, दोनों चीज़ें पसंद है। तो स्पिनर वगैरह कौन सा पसंद है, जो कि स्पेसिफिकली जिसको बहुत ज़्यादा देखते हो? अब्दुल कादिर पसंद है। अच्छा, बॉलर कौन सा पसंद है? बॉलर शाहीन अफरीदी पसंद है, वो तो बिल्कुल न्यू है। अच्छा, पुराने लोगों को भी देखते हो? शोएब अख्तर भी पसंद है। अच्छा, हमारे हमसाया मुल्क में भी बड़े प्यारे प्यारे स्टार क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली है, उनके भी कोई क्रिकेटर्स पसंद है, उनकी कोई परफॉर्मेंस, कोई मैच? रोहित शर्मा और विराट कोहली। वो क्या वजह? वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका स्टाइल अच्छा है, और विराट कोहली की कवर ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका स्टाइल अच्छा लगता है। अच्छा, बाबर आजम या विराट कोहली, इनमें से किसी एक को? बाबर आजम। वो क्या वजह है? उसकी कवर ड्राइव की वजह से, वो पावरफुल खेलता है, कवर ड्राइव मारता है, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, एशिया कप भी हो रहा है, कोई मैसेज देना चाहोगे उन्हें? इंडियन टीम, हाँ, आप लोग हमारे मुल्क में आए, हम आपके मुल्क में आते हैं खेलने, आप लोग भी हमारे मुल्क में आया करें भाई। इंडियन टीम, आप जो है वो कैमरे में बोल के देख के ज़रा मैसेज दे देना। इंडियन टीम, आप लोग भी हमारे मुल्क में आए, हम लोग भी तो आपके मुल्क में खेलने आते हैं, आप लोग भी आए। जी बिल्कुल, इंडियन टीम और तमाम टीम्स जो है वो, जब यहाँ पे ऐसे नन्हे मुन्ने फैंस आपके मौजूद हैं तो क्यों नहीं आते पाकिस्तान आए खेलें। यहाँ पे क्रिकेट के वैसे तो बहुत से शायकीन मौजूद हैं, लेकिन जिब्रान अली से मिलके पता चल रहा है कि पाकिस्तानी जुनूनी है क्रिकेट के लिए। आपको जिब्रान अली से मुलाकात कैसी लगी, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।